पोस्टमार्टम ग्रह चालू कराने की बात कही गई थी, क्या मामला? देखिए, पोस्टमार्टम के बारे में वहाँ की जनता ने ये शिकायत की थी कि पोस्टमार्टम वहाँ में पहले होते थे वो नहीं हो पाते हैं। अधिकारियों से बात की थी तो उन्होंने कहा कि इंस्ट्रूमेंट्स की कमी है और कुछ बिल्डिंग में कुछ कमी है, तो बिल्डिंग के लिए और इंस्ट्रूमेंट के लिए, इंस्ट्रूमेंट आ जाएं उसके लिए मैंने अपनी सांसद निधि से लगभग 5,78,000 ऐसे मैंने अपनी तरफ से रिलीज कर दिए हैं और पोस्टमार्टम ग्रह का कार्य भी प्रारंभ हो गया है और मुझे उम्मीद है कि जैसे ही जल्दी बिल्डिंग का रिन्यूअल हो जाएगा और उधर इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे तो जल्दी ही पोस्टमार्टम ग्रह भी शुरू हो जाएगा, तो जिससे भगवान न करे कोई दुर्घटना होती है तो उन्हें आगरा न भागना पड़े। दूसरा, आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 20 वर्ष पूरे हुए हैं उनके सेवा काल के, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहते हुए माननीय मोदी जी ने 20 वर्ष आज पूरे किए हैं, तो आज बटेश्वर धाम पर भगवान ब्रह्मलाल जी के दर्शन करके मोदी जी की दीर्घायु के लिए, उनके स्वस्थ रहने के लिए और वो निरंतर सेवा देश की करते रहें ऐसी कामना प्रभु से की है और वहां बैठकर बड़ी संख्या में लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को पोस्ट कार्ड लिखा है, मैंने भी आज पोस्ट कार्ड लिखा है और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के गांव में बटेश्वर में बैठकर कि मोदी जी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और जनता की सेवा निरंतर करते रहें, ईश्वर की कृपा उन पर बनी रहे। करीब पिछले 4 वर्षों से यहाँ महिला डॉक्टर की तैनाती नहीं है, महिलाओं की समस्याओं के लिए उनको 70 किलोमीटर दूर आगरा जाना पड़ता है, उनकी तैनाती के लिए क्या प्रयास किए? मैं निश्चित रूप से आज ही जिलाधिकारी से बात करूंगा, सीएमओ को बुलाऊंगा और मेरी ये प्राथमिकता है क्योंकि कल भी मैं आया था तो पिनाट सीएससी पर गया था, आज मैं आया हूं तो बाहर सीएससी पर आया हूं, मैंने डेंगू से पीड़ित मरीजों को भी देखा है, यहाँ जो ब्लड की जांच होती है उसकी भी मशीन अभी प्रारंभ हुई है 3 दिन पहले से और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी यहाँ महिला चिकित्सक का व्यवस्था हो क्योंकि ये वास्तव में एक बड़ी समस्या है, इस समस्या का निदान होना चाहिए और हम इसे कराएंगे। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।